नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के आसपास में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लड़की का रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है? गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कौन रह रहे हैं? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? मेरे दोस्त मर गए, बताइए होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर, यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं लोगों के, सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं। रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियाँ रोई हैं। मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी देखा, अपना मुझसे रहा नहीं गया, मेरी उनकर के साथ ऐसा किया है। आपने खुद को कैसे बचाया कल जब हम बाहर गए वहाँ से? क्या हुआ था? टाइम का पता है? मंजर कैसा था? सेफ स्पेसेस खोजने लगे, अपने घर वालों के घर पे गए, अपने लोकल गार्जियंस के घर पे गए। पीड़ित छात्रा मीडिया से बात करते हुए कह रही है कि मैं यहाँ पर बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। साथ ही कहा कि ये सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी नहीं, मेरा घर भी था। देखो क्या हाल कर दिया है। आपको बता दें कि ये लड़की झारखंड के रांची की रहने वाली है और इसका नाम अनुज्ञा है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही है। न्यूज डेस्क।